से चिल्का झील है और चिल्का झील के वहां पर हमारी बोट खड़ी हो गई है और वहां पर लिखा था सी माउथ यानी समुद्र का मुख। तो चिल्का झील यहां पर बंगाल की खाड़ी से मिलती है और ये सामने जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है इस रास्ते से हम वहीं पर बोट खड़ी हो गई थी वहां से हम आए हैं। और मेरे पीछे जब आप इस तरफ मैं देखूंगा यहां पर देखिए आप इस तरफ देखिए आप दूर दूर तक आपको समुद्री समुद्र दिखाई देगा। ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर देखिए आप बहुत ही अविस्मरणीय दृश्य। और इस तरफ भी देख लीजिए आप देखिए चारों ओर समुद्री समुद्र है। साथियों हम जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर से अर्बन हाटा की ओर। अर्बन हाटा जिसे नीलांचल हाट भी कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर से नीलांचल हाट तक का किराया साइकिल रिक्शा में 80 रुपये और ऑटो रिक्शे में 150 रुपये लगता है। नीलांचल हाट से ही चिल्का झील के लिए बस मिलती है। इस बस की टिकट आपको एक दिन पूर्व बुक कराना होती है। चिल्का झील जाने वाली बस नीलांचल हाट से सुबह 7 बजे निकलती है और शाम को 4 बजे वापस आती है। इस बस का किराया प्रति व्यक्ति 220 रुपये है। बस की टिकट बुक करने के लिए आप निम्न नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सामने आपको जो होटल दिखाई दे रही है इन्हीं के होटल में हम रुके थे। इनका एक होटल ये सामने दिख रहा है और जिस होटल में हम रुके थे उसका वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। नीलांचल हाट पर हम पहुँच चुके हैं और यहीं से हमारी बस चिल्का झील के लिए जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी रहती हैं जिनके द्वारा टूरिस्ट कोणार्क लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के नंदन कानन के लिए भी यहीं से जाते हैं। सामने आपको हमारी एसी बस दिखाई दे रही है। इसी एसी बस के द्वारा हम चिल्का झील तक गए थे। हमारी बस तिरुपति थी जिसने पहला विश्राम एक रेस्टोरेंट में लिया जहां से नाश्ता करने के उपरांत हम चिल्का झील की ओर निकल गए। यहां पर बोटिंग के लिए आपको अगर आप शेयरिंग बोट करते हैं जिसमें 15 लोग बैठते हैं तो प्रति व्यक्ति 300 रुपये किराया लगता है और अगर आप 6 लोगों वाली बोट में बैठते हैं तो प्रति व्यक्ति 500 रुपये किराया लगता है। एक्चुअल यहां पर जो लूटमार है वो गाइडों द्वारा की जाती है और इसमें सबकी मिलीभगत होती है जबकि इस बोट का किराया प्रति व्यक्ति 120 रुपये होता है। 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। साथियों आपके लिए एक जानकारी मैं दे दूं कि आप ये सतपुड़ा वाले रास्ते से ना आकर आप ट्रेन या बस द्वारा खुर्दा पहुंच जाएं और खुर्दा से चले जाएं ऑटो द्वारा बालूगांव। बालूगांव में आपको बोट का किराया मात्र 50 रुपये लगेगा और वो बहुत बड़ी बोट होती है। यहाँ पर एक काली मंदिर भी चिल्का झील के अंदर आपको देखने को मिलेगा और आप 100% यहाँ पर डॉल्फिन मछली देख पाएंगे। लेकिन हम जिस रास्ते से आए हैं यहाँ पर आप भाग्य के भरोसे रहते हैं, आपको डॉल्फिन मछली के दर्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी। चिल्का झील में बहुत सारे टापू हैं। यहाँ पर आपको केकड़ा द्वीप पर ले जाया जाता है, उसके बाद राजहंस द्वीप पर ले जाते हैं। लगभग आप 2 घंटे चिल्का झील में बोटिंग करते हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। यह उड़ीसा के 3 जिलों से घिरी हुई, पुरी जिला, खोर्धा जिला और गंजाम जिला से घिरी हुई यह झील। इसमें कई धाराओं से जल आता है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है। 52 धाराएं आके इसमें मिलती हैं जिसमें भार्गवी नदी, दया नदी, माकरा नदी, मालगुणी नदी, लूना नदी। इसके 2 मुख हैं, पुराना मुख आरखाकुड़ा में है और नया मुख सातपाड़ा में है। हम सातपाड़ा में ही हैं और बंगाल की खाड़ी में इसका प्रवाह है। वैसे ये झील खारे पानी की झील है लेकिन बरसात के दिनों में इसका जल मीठा हो जाता है। इस झील की लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है और चौड़ाई 9 से 20 किलोमीटर है।
इस झील में बहुत सारे टापू हैं। हम केकड़ा द्वीप पर और राजहंस द्वीप पर जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चिल्का झील 70 किलोमीटर लंबी और लगभग 30 किलोमीटर चौड़ी है। ये कहीं कहीं यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। आप झील में 2 से 2.5 घंटे सैर करते हैं, इसलिए अपने साथ में कुछ खाने पीने का सामान जरूर ले जाएं, लेकिन इसका कचरा झील में ना डालें। चिल्का झील की सैर पर जाने से पहले आप होटल लक्ष्मी विनोदनी, जो कि टिकट काउंटर के पास में ही है, इसमें अपने भोजन का ऑर्डर देकर चले जाएं। हमने यह भोजन बिना ऑर्डर के ही किया था। यहाँ पर 40 रुपये में एक प्लेट चावल और 30 रुपये में एक प्लेट दाल और 10 रुपया प्रति रोटी मिलती है। भोजन अच्छा था। ये हम चिल्का झील के टिकट काउंटर के पास में आसपास का चारों तरफ का आप नजारा देख लीजिए। शेयरिंग बोट जिसमें 15 लोग बैठते हैं उसका टिकट 320 रुपये है, लेकिन जिसमें 6 लोग बैठते हैं उसका टिकट 500 रुपये है। दोनों बोट एक सी हैं, इसलिए आप शेयरिंग बोट में ही बैठें। टिकट काउंटर से आप लाइफ जैकेट साथ ही लेकर जाते हैं और स्वयं ही साथ लेकर आते हैं। टिकट काउंटर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, 6 बड़े और 2 बच्चे, बोट कैपेसिटी दिखाई गई है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बस बुकिंग वाले जगन्नाथ भाई साहब ने कहा था कि शेयरिंग बोट में आपका 120 रुपया प्रति व्यक्ति किराया लगता है, लेकिन जब गाइड ने कहा कि आपको 320 रुपया प्रति व्यक्ति पे करना है, तो हमने अलग से ही टिकट खरीदने का सोचा और एक ग्रुप बनाया। शेयरिंग बोट जिसमें 15 व्यक्ति बैठते हैं उसमें प्रति व्यक्ति किराया 120 रुपये होना चाहिए था। हमारे ग्रुप बनाने की योजना भी बेकार रही और हमको आखिर गाइड की बात मानना पड़ी और प्रति व्यक्ति 320 रुपया किराया देना पड़ा। टिकट काउंटर वाले पूरी बोट का किराया 4800 रुपये कहते हैं, जिसमें 6 बड़े और 2 छोटे बच्चे बैठ सकते हैं। इस हिसाब से तो प्रति व्यक्ति किराया 600 रुपये होने वाला था, ये तो और भी बड़े घाटे का सौदा था। हम गाइड के आगे नतमस्तक हो गए और 2 लोगों के ऊपर हम पर 400 रुपये का अतिरिक्त भार आया। अगर आपको सरकारी टिकट काउंटर कहीं दिखाई दे जाए तो आप वहीं से टिकट खरीदें। हमको चारों ओर देखने पर कहीं भी सरकारी टिकट काउंटर दिखाई नहीं दिया। 230 रुपया बस का किराया और चिल्का में बोटिंग करने के लिए आपको 320 रुपये, 50 रुपये का नाश्ता और 100 रुपये का आपका भोजन। प्रति व्यक्ति आप पर 800 रुपये का खर्च आने वाला है। चिल्का झील में आप डॉल्फिन मछली देखने जाते हैं। पहले आपको केकड़ा द्वीप पर ले जाया जाता है, जहां आपको लाल केकड़े दिखाए जाते हैं। इसके बाद डॉल्फिन मछली क्षेत्र में और उसके बाद राजहंस द्वीप पर। सबसे पहले आपको केकड़ा द्वीप पर ले जाया जाएगा। केकड़ा द्वीप पर आप लाल केकड़ों को देख पाएंगे। लाल केकड़े आपको सामने जो टापू दिखाई दे रहा है यहीं पर मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि चिल्का झील में बहुत सारे द्वीप हैं, इन द्वीपों में एक केकड़ा द्वीप भी है जहां पर हम लाल केकड़ा देखने वाले हैं। लेकिन इनमें सबसे सुंदर द्वीप जो है वो है राजहंस द्वीप। केकड़ा द्वीप के बाद हम जाने वाले हैं डॉल्फिन मछली के क्षेत्र में। आप चिल्का झील में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षियों को भी देख पाएंगे। अब हम ले रहे हैं केकड़ा द्वीप से विदा। अगर आप साथ में कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए हैं तो यहीं बैठकर खा लें, लेकिन ध्यान रखें चिल्का झील में किसी प्रकार की गंदगी ना करें। चिल्का झील में आपको चारों तरफ नावें ही नावें दिखाई देंगी और ये था वह द्वीप जिससे हम ले रहे हैं विदा। सामने आपको कई प्रकार के पक्षी उड़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ का चूंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, इसलिए विदेशों से पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। वीडियो के अगले भाग में आपको मैं डॉल्फिन मछली क्षेत्र और राजहंस द्वीप दिखाऊंगा।